नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, जिसमें कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको कराते हैं रूबरू। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिजनेस टॉप 10। कोरोना में नोएडा के भूटानी ग्रुप का बड़ा धमाका, 5,000 करोड़ के निवेश से इंडिया करेगा विकसित। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तर्ज पर ही रिटेल एस्टेट भी फेस्टिव सीजन में बड़ी बिक्री की उम्मीद लगाए बैठा है। बेहतर सेंटीमेंट्स के भरोसे नोएडा में भूटानी ग्रुप ने एरिया विकसित करने के लिए 5,000 करोड़ के भारी भरकम निवेश का ऐलान किया है। आज जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, सबने अपनी प्रोडक्शन फेस्टिव सीजन के तहत आज वापस रैंप अप कर दी है। प्रोडक्शंस आर इंक्रीजिंग, डिमांड धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई है। कोरोना के डर से लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं पूरी प्रिकॉशंस के साथ। इसीलिए आज रियल एस्टेट सेक्टर जो है, जो टोटली एक सेंटिमेंट बेस्ड सेक्टर है, आज ऑलरेडी धीरे धीरे उसमें भी डिमांड रैंप अप होने लगी है। लोग अपनी जो इनकम्स हैं, साइड इनकम्स हैं, वो चाहते हैं कि ऐसी रहे कि आज के बाद कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो उनकी मंथली इनकम या उनके खर्चे इफेक्ट ना हो। इसी के साथ बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।